स्पाइसजेट के विमान में धुआं भरने के कारण शनिवार सुबह दिल्ली में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। स्पाइसजेट की दिल्ली जबलपुर फ्लाइट के कैबिन में जिस वक्त ये धुआं देखा गया तब प्लेन 5000 फीट की ऊंचाई पर था। धुआं भरते ही पैसेंजर्स में अफरा तफरी का माहौल हो गया। विमान को वापस दिल्ली एयरपोर्ट उतारने का फैसला लिया गया जिसके बाद उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। स्पाइसजेट के इस प्लेन ने दिल्ली एयरपोर्ट से सुबह करीब 6:15 बजे उड़ान भरी थी। दिल्ली से जबलपुर आ रही स्पाइसजेट की फ्लाइट में तकरीबन 60 से 70 यात्री सवार थे। जैसे ही विमान जबलपुर के लिए उड़ान भरा तभी कुछ मिनट बाद विमान में चिंगारी उठी और प्लेन के भीतर धुआं धुआं हो गया। एसी बंद हो जाने से यात्री परेशान हो गए। प्लेन में आई गड़बड़ी के बाद पायलट ने पुनः दिल्ली एयरपोर्ट में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई है। प्लेन में सफर करने वाले यात्री ने बताया कि सुबह तकरीबन 6:15 बजे दिल्ली से जबलपुर के लिए स्पाइसजेट का विमान उड़ान भरा, तभी करीब 15 मिनट बाद ही प्लेन में अचानक ही चिंगारी निकली और सब धुआं धुआं हो गया। एसी बंद हो जाने से सभी यात्री परेशान हो गए। कोई मैगजीन से तो कोई कपड़े से हवा कर रहा था। यात्रियों की चीख पुकार सुनकर पायलट ने प्लेन को पुनः दिल्ली की तरफ ले जाकर एयरपोर्ट में सुरक्षित लैंडिंग करवाई। आपको बता दें कि दिल्ली से जबलपुर स्पाइसजेट की ये फ्लाइट डुमना एयरपोर्ट जबलपुर आने का समय करीब 8:30 बजे का है। प्लेन में सफर करने वाले यात्री ने बताया कि 10 बजे तक बोला गया था कि दूसरे प्लेन की व्यवस्था करके जबलपुर पहुंचा दिया जाएगा, मगर अभी भी सभी लोग एयरपोर्ट दिल्ली में ही रुके हुए हैं। 10:30 बजे प्लेन दिल्ली से जबलपुर के लिए उड़ा है। टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही प्लेन के कैबिन में धुआं भरना शुरू हो गया। उस समय प्लेन क्लाइंबिंग स्टेज में था, यानी लगातार ऊंचाई की तरफ जा रहा था। धुआं दिखने के बाद यात्री घबरा गए जिसके बाद चीख पुकार मच गई। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद विमान को खाली कराया गया। सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वहीं इस घटना के बाद स्पाइसजेट की तरफ से बयान जारी किया गया जिसमें प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग और मुसाफिर के सुरक्षित होने की बात तो कही गई लेकिन हादसे की वजह नहीं बताई गई है। हालांकि दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जांच की बात कही है। आपको बता दें कि 13 दिन पहले यानी 19 जून को बिहार की राजधानी पटना में भी स्पाइसजेट के विमान में अचानक धुआं निकलने लगा था जिसके बाद उसकी भी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। उस वक्त शुरुआती जांच में बर्ड हिट का मामला सामने आया था। वहीं पटना में स्पाइसजेट की विमान लैंडिंग मामले में यात्रियों ने बड़ा दावा किया था कि लैंडिंग के समय विमान की 18 नंबर की सीट पर बैठी एक युवती सिब्बू ने पत्रकारों से बताया कि टेक ऑफ के वक्त ही इंजन से अजीब सी आवाज आ रही थी, ये नॉर्मल साउंड से अलग थी। उसने बताया कि 18 से 22 नंबर की सीट के पास ही विमान के विंग्स थे और वहीं से बहुत तेज आवाज आ रही थी। सुमन ने यह भी दावा किया था कि विमान से पक्षी नहीं टकराया था बल्कि ये मेंटेनेंस की प्रॉब्लम थी। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। स्पाइसजेट से ट्रैवल कर रहे थे तो अचानक प्लेन में कुछ धुआं होने लगा, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, बुरी हालत हुई है। मैं अस्थमा का पेशेंट भी हूं, मेरे को बीपी भी रहता है। इतना धुआं इतना भर गया था और ना ही कोई ग्राउंड स्टाफ कोई आज यहां पर हम लोगों के लिए किसी हेल्प के लिए है। दिस इज रिडिकुलस। हम आज मरते मरते बचे हैं।